हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें यूजीसी नेट, बिहार स्टेट और बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी या झारखंड, कोई भी एग्ज़ाम हो सोशियोलॉजी से संबंधित, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। इस तरह से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? पार्सन्स, मैकाइवर एवं पेज दुर्खीम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। इस तरह से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने ये परिभाषा दी है, वो कहा है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक संपर्क और संस्कृति के प्रतिरूप शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उच्च दर से बढ़ना सामाजिक विकास का संकेत नहीं है। कारण में है, केवल जीडीपी में वृद्धि को यह केवल जीडीपी में वृद्धि को इंगित करता है, लेकिन विभिन्न स्तरों के बीच वितरण के पैटर्न को नहीं। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सत्य है, व्याख्या सही नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उच्च दर से बढ़ना सामाजिक विकास का संकेत नहीं है, यह ऑप्शन सही है। यह केवल जीडीपी में वृद्धि को इंगित करता है, लेकिन विभिन्न स्तरों के बीच वितरण के पैटर्न को नहीं। यह ऑप्शन भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर्च के अनुसार घटना विज्ञानी बाहरी दुनिया के अस्तित्व से मना करते हैं। सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच नियमित बंधन को स्वीकार करें। बाहरी दुनिया को वास्तविक सामाजिक छवि बनाने के लिए सामाजिक दुनिया को प्रभावित करना चाहिए। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाहरी दुनिया के अस्तित्व में विश्वास को निलंबित करता है। राइट आंसर क्या होगा? सोर्च के अनुसार घटना विज्ञानी सोर्च ने यह तर्क दिया है कि दार्शनिक या वैज्ञानिक अवलोकन के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सोर्च का मुख्य क्षेत्र चिंता का तरीका था, जिसमें लोग चेतना की अपनी धाराओं के भीतर रहते हुए दूसरों की चेतना को समझ लेते हैं। तो सोर्च के अनुसार घटना विज्ञानी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाहरी दुनिया के अस्तित्व में विश्वास को निलंबित करते हैं, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं हैं? पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानताएं, ए और बी दोनों, पश्चिमी शिक्षित नेतृत्व। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं हैं? राइट आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानताएं, ये दोनों राष्ट्र निर्माण में बाधा है। राष्ट्र निर्माण की बाधाओं में
जातिवाद आता है, सांप्रदायिकता, संकीर्णता, राजनीतिक दल, भाषाई अंतर, आर्थिक विषमता, पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानताएं, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति पर बहस में योगदान दिया है, जिसने समाजशास्त्र के सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया है? डेरिडा, अल्थ्यूजर, फूको, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? किसने तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति पर बहस में योगदान दिया है, जिसने समाजशास्त्र के सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मिशेल फूको। और इनका एक कोटेशन भी है, तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। पागलपन और सभ्यता, डेरिडा, पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, फूको। लेखन और अंतर, लेवी स्ट्रास, अगम्य गमन निषेध, गिडिंग्स। 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका पागलपन और सभ्यता, ये फूको का है ऑप्शन सेकंड। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, ये एंथनी गिडिंग्स का है ऑप्शन फोर। लेखन और अंतर, ये डेरिडा का है ऑप्शन फर्स्ट। अगम्य गमन निषेध, ये लेवी स्ट्रास का है ऑप्शन थर्ड। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। पागलपन और सभ्यता, मिशेल फूको। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, गिडिंग्स। लेखन और अंतर, जैक्विज डेरिडा। अगम्य गमन निषेध, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन है। इसमें विष्णु के पांचवें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? वराह अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। विष्णु के पांचवें अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। विष्णु के कुल पूर्ण अवतारों में इनके कुल 10 अवतार हैं। अनगिनत संख्या में इन्होंने अवतार लिए हैं, लेकिन मुख्य अवतार इनके 10 हैं। पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार। ये 5 अवतार इनके सतयुग में हुए थे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ये सतयुग में अवतार हुए थे। और छठा अवतार परशुराम है, सातवां राम का है, ये त्रेता युग में हुआ था ये दोनों। आठवां कृष्ण का है, ये द्वापर में हुआ था। और नौवां बुद्ध का है, ये कलयुग में हुआ। दसवां कल्कि अवतार, अभी ये बाकी है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नारीवाद की वृद्धि का मुख्य आधार कौन सा है? औद्योगिक समाज में वनों की कटाई, महिलाओं का जीवन और प्रकृति के साथ उनका संबंध, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट, वैश्विक तापमान। राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण नारीवाद की वृद्धि का मुख्य आधार कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, महिलाओं का जीवन और प्रकृति के साथ उनका संबंध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के बजाय खुद को मार्क्सवादी कहना पसंद किया। कारण दिया है, उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की एक द्वंद्वात्मक, यहाँ पर द्वंद्वात्मक होगा, द्वंद्वात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया, जो मूल्य, आत्मसात और सांस्कृतिक संश्लेषण और वर्ग संघर्ष से कम था। ए सत्य है, आर असत्य है, ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए असत्य है, आर सत्य है, इसमें राइट आंसर क्या होगा?
डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के बजाय खुद को मार्क्सवादी कहना पसंद किया, क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की एक द्वंद्वात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया, जो मूल्य आत्मसात और सांस्कृतिक संश्लेषण और वर्ग संघर्ष से कम था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं और आर्य का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप नहीं है, कक्षा, धर्म, जात, लिंग, इनमें से कौन एक सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड धर्म। सामाजिक स्तरीकरण को धन, प्रतिष्ठा, जाति, लिंग और शक्ति जैसे मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध पदों पर व्यक्तियों के समूहों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को इंगित करता है, इस प्रकार से जाना जाता है, सकारात्मक संबंध, रैखिक संबंध, निराधार संबंध, कारण और प्रभाव संबंध। वह संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को इंगित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कारण और प्रभाव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से, कथन दिया है सभी समूह सोशल नेटवर्क हैं, कारण दिया है सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। ए असत्य है, आर सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर क्या होगा? सभी समूह सोशल नेटवर्क हैं, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। तो ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य ज्ञान की भूमिका का लेखा जोखा कौन प्रदान करता है? वर्जर और लकमैन, हर्सल और शूट, पार्सन्स और मर्टन, डेविस और मूर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? रोजमर्रा के जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य ज्ञान की भूमिका का लेखा जोखा कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, हर्सल और शूट। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त आवृत्ति के साथ होने वाली स्थितियों का परिवर्तन जैसा कि सामाजिक रूप से प्रतिरूपित किया जा सकता है, के रूप में नामित किया जा सकता है, स्थिति सेट, स्थिति अनुक्रम, सामाजिक स्थिति, स्थिति संघर्ष। पर्याप्त आवृत्ति के साथ होने वाली स्थितियों का परिवर्तन जैसा कि सामाजिक रूप से प्रतिरूपित किया जा सकता है, उसे स्थिति अनुक्रम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अव्यक्त और प्रकट कार्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? दुर्खीम, मर्टन, मैलनोवस्की, ब्राउन। अव्यक्त और प्रकट कार्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आर के मर्टन। इन्होंने अव्यक्त कार्य की परिभाषा दी है, कार्यात्मक परिणाम जो किसी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा अभिप्रेरित या मान्यता प्राप्त नहीं है,
जिसमें वे घटित होते हैं, ये वो अव्यक्त कार्य हैं। और प्रकट कार्य एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि के कार्य, जिन्हें गतिविधि में शामिल व्यक्तियों द्वारा जाना जाता है, जिनका एक उद्देश्य होता है, वो प्रकट कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स, संघर्ष सिद्धांत किंग्सले डेविस, विकासवादी सिद्धांत अगस्त कॉम्टे। 3-1-4-2-1-3-2-4-2-1-3-4-2-3-1-4 राइट आंसर क्या होगा? चक्रीय सिद्धांत ये सोरोकिन का है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ये किंग्सले डेविस का है। और संघर्ष सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स का है। विकासवादी सिद्धांत ये अगस्त कॉम्टे का है। 1-3-2-4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण किंग्सले डेविस, संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स, विकासवादी सिद्धांत अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मानता है कि यह सामाजिक जीवन का एक पहलू किसी समाज की स्थिरता या अस्तित्व में योगदान नहीं देता, तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित नहीं होगा? संघर्ष का दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, सूक्ष्म विज्ञान कार्यात्मक दृष्टिकोण। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मानता है कि यदि सामाजिक जीवन का एक पहलू किसी समाज की स्थिरता या अस्तित्व में योगदान न दे, तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित नहीं होगा? ये कौन सा सिद्धांत है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल विभाजन किसके बीच मौजूद है? शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षित और अशिक्षित में, सामाजिक आर्थिक समूह में, अधिक या कम विकसित राष्ट्र में। 1-3, 1-2, 1-4 सब सही हैं। डिजिटल विभाजन ये किनके बीच मौजूद है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन 4, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षित और अशिक्षित में, सामाजिक आर्थिक समूह में, अधिक या कम विकसित राष्ट्र में। ये सभी सही हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC शुरू किया गया मिशन है, हिमालय इकोसिस्टम और बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, ए और बी दोनों, हिमालय इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रवास अंतराल के दौरान किए गए चालों की कुल संख्या, जिनके मूल और गंतव्य के सामान्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, शुद्ध प्रवास, बाहरी प्रवास, सकल प्रवास, प्रवास धाराएं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसी दिए गए प्रवास अंतराल के दौरान किए गए चालों की कुल संख्या, जिनके मूल और गंतव्य के सामान्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, प्रवास धाराएं, ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग अन्य के लोगों के साथ बातचीत में स्वार्थ से प्रेरित हैं? अदला बदली, परस्पर संवाद, संघर्ष, संरचनात्मक। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत में स्वार्थ से प्रेरित हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, परस्पर संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित तकनीकी क्रांति की व्यवस्था करें। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। 2 3 1 4, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 3 2 1। राइट आंसर क्या होगा? कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित तकनीकी क्रांति की व्यवस्था करें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति सबसे पहले, फिर औद्योगिक क्रांति, उसके बाद मुद्रण क्रांति, उसके बाद हरित क्रांति। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के लिए बुर्जुआ को इसके कारण से अधिक हिस्सा मुख्य रूप से किस रूप से मिलता है? उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण, उद्योग पर एकाधिकार, अवैध तरीकों से इसे जमा करना, सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स के लिए बुर्जुआ को इसके कारण से अधिक हिस्सा मुख्य रूप से किस रूप से मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। पूंजीवाद समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा एक दूसरे पर निर्भर हैं। मजदूरी करने वाले को जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचनी चाहिए, क्योंकि वह उत्पादन की शक्तियों का हिस्सा नहीं होता है और स्वतंत्र रूप से माल का उत्पादन करने के लिए साधन की कमी होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरी जीवन शैली के रूप में और गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत से जुड़े हैं? आस्कल लेविस, विलियम फुटवाइट, लुइस बिर्थ, होमर हाइट। 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन शहरी जीवन शैली के रूप में और गरीबी की संस्कृति सिद्धांत से जुड़े हैं? राइट आंसर है इसका आस्कल लेविस और लुइस बिर्थ। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। शहरी जीवन शैली के रूप में लुइस बिर्थ और गरीबी की संस्कृति से आस्कल लेविस जुड़े हैं। 1 और 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से। कथन दिया है, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है। कारण दिया है, पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है, ये ऑप्शन सही है। पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नारी से घृणा, शुद्ध वासना, मांस और महिलाओं पर अत्याचार, महिला संपदा। 4 2 3 1 2 3 1 4 1 3 2 4 1 4 3 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नारी से घृणा, ये एंड्रिया डार्किन का है ऑप्शन फर्स्ट। शुद्ध वासना ये मैरी डेली का है, मैरी डेली ऑप्शन थर्ड। मार्क्सवाद और महिलाओं पर अत्याचार ये लिसा बोगल से संबंधित है ऑप्शन सेकंड। और महिला संपदा ये जूलियट मिशेल ऑप्शन फोर। 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन थर्ड राइट है। नारी से घृणा एंड्रिया डार्किन, शुद्ध वासना मैरी डेली, मार्क्सवाद और महिलाओं पर अत्याचार लिसा बोगल, महिला संपदा जूलियट मिशेल ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा के प्रति चेतना जगाना, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना, एक पर्यावरणीय नैतिकता बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिक निर्भरता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इनमें से सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिभागियों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में योगदान करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। मध्याह्न भोजन योजना ये किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1971, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1951, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1967। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह धारा 3 में किसी भी व्यक्ति को दहेज लेने या देने का दंड का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम सजा 5 साल का कारावास हो सकता है और 15,000 रुपये अधिक से अधिक जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। मटकी ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी या घड़ा नृत्य तो ये मध्य प्रदेश का है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
मध्य प्रदेश के नृत्य में आडा खाड़ा नाच, सैलाब धोनी, मानच, फूलपति ग्रेडा और असम का नृत्य है बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महाराष्ट्र केनो झूमरा हो बनाई। बिहार में बाखो बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जटा जटीन, पनवारिया, ये बिहार का नृत्य है। और राजस्थान में घूमर, चकरी, गढ़घोर और गपल, काल बेलिया, ये सब राजस्थान का है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।